दोस्तों, क्या आपको ये बात पता है, जब हम लोग ग्रेप्स को यानी अंगूर को माइक्रोवेव में रखते हैं तो फिर वो एक्सप्लोड कर जाते हैं यानी ब्लास्ट कर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो में बने रहिए, हम इसे ज़रूर एक्सप्लेन करेंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो माइक्रोवेव जो रेडिएशन जनरेट करता है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो करीब करीब 5 इंच की होती है, और जो हमारे अंगूर होते हैं वो करीब करीब 80-90% वाटर से बने रहते हैं, जिसके कारण अंदर वेवलेंथ, जब रेडिएशन के थ्रू वेवलेंथ उस वाटर को हीट करती है, उस वाटर में घुस जाती है, तो जब वहाँ जाती है तो फिर उसकी वेवलेंथ कम हो जाती है और वो सब एक ही जगह पे कंसंट्रेटेड होती हैं। तो जब कंसंट्रेटेड होती हैं तो फिर उसके बाद से वहाँ पर ज़्यादा हीट एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है। तो फिर अब यहाँ पर क्या होता है कि दो दो अंगूर अगर आपस में एक दूसरे से सटे हुए हैं तो जहाँ पर जिस पॉइंट पर वो सटे रहते हैं उसको हम लोग हॉट स्पॉट बोलते हैं। उस हॉट स्पॉट पे कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता है जिसके कारण वहाँ पर ज़्यादा एनर्जी जनरेट होती है और प्लाज्मा जनरेट होता है जिसके कारण अंगूर एक्सप्लोड कर जाते हैं। अगर ये फैक्ट आपको नहीं पता था तो फिर मेरे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और आपको ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन।